सो गाइस अभी हम हैं यहाँ पे मछली पालन है, यहाँ पे मछली घर है गोंडा का, और यहाँ पे हम हैं एंड इधर से ये पाथ है जाने के लिए मछली घर के लिए, और इधर सामने से आए हैं वो उधर से, और वहाँ से एंट्री पास है 5 रुपये, उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ पे है, और कुछ ऐसा यहाँ का है दृश्य। यहाँ पे एक फाउंटेन भी लगा है दो, जो कि अभी रिसेंटली लगा है, पहले नहीं लगा था, और इधर से है पाथ और हम आगे जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या है यहाँ पे, क्या मछली पालन है। कुछ एक्वेरियम रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 से 5 एक्वेरियम, सोलह एक्वेरियम यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और ये जो पॉन्ड है यार गाइस बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे पहले नहीं लगा था ये फाउंटेन वगैरह, लेकिन अभी रिसेंटली लग गया है, तो थोड़ा देखने में अब सही लग रहा है, और बोट वगैरह भी चलने लगी है, तो हाँ सही है, 5 रुपये जस्ट एंट्री चार्जेस हैं, जिसके हिसाब से सही है, ठीक ठाक है, देख सकते हैं ऐसा कुछ है। इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग है और ये एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा दूर तक है, ये बहुत दूर तक है, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर तक गया है, और अभी धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ी अवेलेबल है बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जस्ट सामने, मेरे जस्ट सामने सरस्वती स्कूल है, ये जो आपको दिख रहा है ये सरस्वती स्कूल है मेरे जस्ट सामने, ये है सरस्वती स्कूल। सो गाइस हमारे साथ दीपक भाई है, दीपक भाई को इंट्रोड्यूस कराओ, हाय बोलो हमारे सब्सक्राइबर्स को, और अंकुर भैया है, हेलो हेलो बोलो, और उधर कौन है भाई। तो गाइस अभी चलते हैं मछली घर में, कुछ 15 से 16 एक्वेरियम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक्वेरियम थोड़े छोटे हैं तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब इतने छोटे नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है जिसने ये बनाया है, और हमारे माननीय विधायक जी हैं, चलिए आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, व्यू जो है वो ऐसा कुछ है। सबसे पहले जो फिश है वो है रेड गोल्ड ओरांडा फिश, यहाँ पे नेमिंग दी हुई है जो है सबसे सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर नहीं पता तो यहाँ पे पढ़ के भी आराम से समझ सकता है क्या है। और ऐसा कुछ है, एक्वेरियम थोड़ा छोटा है लेकिन सही है। फिर है स्पॉटेड कोई कॉर्ड फिश, ये ब्लैक मैरी फिश, ये नाम हो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता है ये कौन सी फिश कहाँ से है, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी है यार, ये पता नहीं इतनी छोटी होती है, बड़ी भी होंगी कुछ पता होता नहीं है। फिर है ब्लैक विडो टेट्रा फिश, नाम भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई गलती हो रहा है कमेंट करके बताना, ये नहीं ये होगा। फिर है टाइगर बार्क फिश, और ये भी एक्वेरियम में लगा हुआ, सबका सारे एक्वेरियम का साइज है वो बिल्कुल सेम है, मतलब छोटा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा होता लेकिन बहुत सुंदर होता, ये दोनों एक्वेरियम एक ही होगा एक्वेरियम का। फिर है टाइगर शार्क फिश, इसके बाद है हमारा फेडर फिश, कोई कॉक फिश, फिर देख सकते हैं फायर माउथ फिश, इसे आते हुए भी बताया गया था कि इसे थोड़ा दूर रहना, ये मुंह से फायर वगैरह भी निकालती है, कैसा लगा मेरा मजाक। उसके बाद है ब्लू गोर्मी फिश, देखो थोड़ा अच्छा है लेकिन इसमें फिश कहीं कुछ दिखी नहीं रही, हमें क्या है, छोटी छोटी है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबंकिन गोल्ड फिश, सुबंकिन गोल्ड फिश जो भी नाम हो सही है, और ये कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत बड़ी है। फिर है ऑस्कर फिश, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है तो इसका नाम ऑस्कर फिश है, भाई ऑस्कर अवार्ड का पता नहीं है, ऐसे बोला सीरियसली ले दो आप मुझे, है ना भैया, भाई मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ बताओ, पता है। लास्ट में पूरे बचे हुए ग्रीन टेरर फिश एंड रेड गोल्ड फिश, रेड गोल्ड फिश आप देख रहे हैं रेड गोल्ड में है, तो यार जो भी कुछ 15 से 16 एक्वेरियम था मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको सही लगा होगा कुछ। थोड़ा मूड खराब कर दिया। चलिए अंकुर भाई से पूछते हैं कि यहाँ इनको आगे कैसा लगा, अंकुर बताओ कुछ हमारे व्यूअर्स बताओ कैसा लगा यहाँ पे आके। भाई बहुत सही जगह है, अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो जरूर आना है, बहुत सही घूमने के लिए, तो एक नंबर जगह है, टाइम पास भी करना है। तो गाइस यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हैं जिससे हम बात करेंगे उन्हें कैसा लगा, अभी सुबह सुबह है तो कुछ ज्यादा लोग नहीं है, कुछ एक दो लोग हैं, और इधर एक भाई खड़े हैं उनसे पूछते हैं, भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है भाई, अच्छा भी लगा है। 5 रुपये टिकट है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, चौक में ये सरस्वती स्कूल के जस्ट पीछे है,
और बढ़िया भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है।